संध्या का समय था, सूर्य अस्त हो रहा था। अस्त होते हुए सूर्य की लाल लाल किरणें प्रतीक्षा की गोद में अपना मुंह छिपाती जा रही थी। पक्षी गगन में पंखों की थपकियां मारते हुए अपने अपने नीड़ की ओर उड़ते जा रहे थे। सम्राट अशोक बड़ी व्याकुलता के साथ अपने शिविर में टहल रहे थे। शिविर में टहलते हुए सम्राट अशोक रह रहकर बाहर की ओर देख उठते थे। ऐसा लगता था मानो वे किसी की बाट देख रहे हों। उनके भीतर से रह रहकर गहरी निश्वासें भी निकल उठती थी। वे चिंता के साथ मन ही मन सोच रहे थे, कलिंग का युद्ध, अभी तक युद्ध के मैदान से कोई समाचार नहीं मिला। कलिंग नरेश मृगेंद्र बड़ा शूरवीर है, पता नहीं युद्ध में क्या हुआ। सहसा कोई अशोक सम्राट के सामने पहुंचकर बोल उठा, जय हो सम्राट की, कलिंग के युद्ध में हमारी विजय हुई। अशोक ने सामने की ओर देखा, सैनिक वेश में सेनापति जयगुप्त खड़ा था। वह अशोक को अभिवादन करता हुआ बोला, हाँ मग्धेश्वर, कलिंग के युद्ध में हमारी विजय हुई। हमारी सेना ने मृगेंद्र के गर्व को मिट्टी में मिला दिया, वह रणभूमि छोड़कर भाग गया। अशोक ने उत्सुकता के साथ कहा, सच सेनापति, सचमुच मृगेंद्र भाग गया? मैं इस खबर को सुनने के लिए बड़ी देर से व्याकुल हो रहा था। सेनापति जयगुप्त ने उत्तर दिया, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, कलिंग के युद्ध में आपकी विजय हुई। कलिंग नरेश मृगेंद्र सचमुच रणभूमि छोड़कर भाग गया। सम्राट बोले, मैं अतीव प्रसन्न हूँ सेनापति, कलिंग की विजय ने मेरे मन में हर्ष का सागर उड़ेल दिया है। सैनिकों को एक सप्ताह की छुट्टी दे दीजिए और इस महान विजय के उपलक्ष में उन्हें पुरस्कार दीजिए। सेनापति जयगुप्त सम्राट अशोक के सामने विनत होकर लौट रहा था कि उसकी दृष्टि एक बौद्ध साधु पर पड़ी। उसका मुखमंडल तेजोमय था, वो कंधे पर चीवर रखे हुए था और उसके हाथ में पात्र था। साधु अशोक के समक्ष पहुंचकर बिना किसी भय के बोला, कलिंग के युद्ध में विजय यह असत्य है सम्राट। कलिंग के युद्ध में आपकी विजय नहीं हुई, आपकी पराजय हुई है। सम्राट विस्मित हो उठे, वे कभी जयगुप्त की ओर तो कभी साधु की ओर देखने लगे। सम्राट विचारों में उलझ गए, किसका कथन सत्य है, सेनापति जयगुप्त का या बौद्ध साधु का? सेनापति सेनापति ही था। सम्राट उसकी बात का अविश्वास तो नहीं कर सकते थे, पर फिर भी वे जिज्ञासा पूर्वक सेनापति की ओर देखने लगे। सेनापति सम्राट के मन के भाव को समझकर बोला, मैं सच कह रहा हूँ सम्राट, कलिंग के युद्ध में आपको महान विजय प्राप्त हुई है। सेनापति के कथन के समाप्त होते ही बौद्ध साधु भी बोल उठा, और मैं भी सच कह रहा हूँ सम्राट, कलिंग के युद्ध में आपकी महान पराजय हुई है। जैसी पराजय कलिंग के युद्ध में हुई है, वैसी पराजय आज तक आपकी कभी नहीं हुई है। सम्राट अशोक सोचते हुए बोले, श्रेष्ठ श्रवण, मैं सेनापति के कथन को असत्य नहीं मान सकता। बौद्ध साधु ने सम्राट की ओर देखते हुए कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या सम्राट, आप मेरे साथ रणभूमि में चलें और अपनी आंखों से देखें कि ये आपकी विजय हुई या पराजय। सम्राट अशोक विचारों में डूब गए, वे मन ही मन सोच रहे थे कि जयगुप्त ने कहा, सम्राट तुम्हारे साथ रणभूमि में नहीं जाएंगे। साधु तुम न जाने कौन हो, तुम साधु के वेश में गुप्तचर तो नहीं हो? साधु ने बिना किसी भय के कहा, सम्राट अशोक मेरे साथ रणभूमि में नहीं जाएंगे। मान लो मैं गुप्तचर ही हूँ, पर अकेला हूँ और बिना किसी अस्त्र शस्त्र के हूँ। मैं अकेला मनुष्य शूरवीर अशोक का क्या बिगाड़ सकता हूँ? सम्राट क्या सच्चाई का पता लगाने के लिए आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? अशोक के मुख से निकल पड़ा, चलूंगा साधु, सत्य का पता लगाने के लिए अवश्य तुम्हारे साथ रणभूमि में चलूंगा। पर स्मरण रहे, यदि तुम्हारी बात सत्य नहीं हुई तो मैं रणभूमि में ही तुम्हारा मस्तक काटकर फेंक दूंगा। साधु बोला, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है सम्राट। और सम्राट अशोक हाथ में तलवार लेकर शिविर से बाहर निकल पड़े। वे साधु के साथ रणभूमि की ओर चल पड़े।
शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की रात थी। सम्राट अशोक साधु के पीछे पीछे रणभूमि की ओर चलने लगे। गगन में चंद्रमा हंस रहा था, धरती पर शुभ्र चंद्रिका खेल रही थी। पेड़ पौधे और मकान सभी सफेदी में रंगे हुए से दिखाई पड़ रहे थे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सम्राट अशोक जिस गांव से होकर निकलते थे वह उजड़ा हुआ दिखाई पड़ता था। घर घर से रोने और विलाप करने की आवाजें आ रही थी। सम्राट अशोक ने उन आवाजों को सुनकर साधु से पूछा, साधु क्या तुम्हें कुछ पता है यह लोग क्यों रो रहे हैं? साधु ने उत्तर दिया, हाँ सम्राट, मैं इनके रोने का कारण जानता हूँ। इन रोने वालों में किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का पति और किसी का पुत्र रणभूमि में मृत्यु की गोद में सो गया है। युद्ध ने इनके घरों को उजाड़ दिया है, इन्हें बिना किसी सहारे के बना दिया है। सम्राट अशोक सुनकर मौन हो गए। वे सोचते हुए आगे बढ़ने लगे। उन्होंने मार्ग में देखा, कहीं भेड़िया किसी के शव को नोच नोच कर खा रहा है, कहीं श्रृगाल किसी शव में दांत लगा रहा है और कहीं जंगली कुत्ते किसी शव को खाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। सम्राट अशोक आगे बढ़ते हुए रणभूमि में जा पहुंचे। साधु उन्हें घूम घूम कर रणभूमि का दृश्य दिखाने लगा। रणभूमि में चारों ओर से आहतों की चित्कार उठ रही थी। कोई पानी के लिए तड़प रहा था तो कोई घाव की पीड़ा से छटपटा रहा था। किसी की गर्दन कटी हुई थी तो किसी के दोनों पैर, किसी के दोनों हाथ कटे हुए थे तो किसी का शरीर दो टुकड़ों में कटा हुआ दिखाई पड़ रहा था। भेड़िए और श्रृगाल लाशों को खींचते हुए लिए जा रहे थे। भयानक दृश्य था रणभूमि का। अशोक उस दृश्य को देखकर कांप उठे। साधु ने सम्राट की ओर देखते हुए कहा, सम्राट यही है आपकी विजय का दृश्य, आप इसे क्या मानते हैं, विजय या अपनी पराजय? सम्राट कुछ उत्तर नहीं दे सके। साधु पुनः बोला, सम्राट अभी आपने कुछ नहीं देखा, मेरे साथ और भी घूमिए, गांव गांव में घूमिए, घर घर में चलकर देखिए, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई हैं, कितनी माताएं बिना पुत्रों के हो गई हैं और कितनी बहनें बिना भाइयों के हो गई हैं। सम्राट वे सभी आंचल उठा उठा कर कह रही हैं, अशोक का सर्वनाश हो, अशोक का सर्वनाश हो। साधु अपने कथन को समाप्त भी नहीं कर पाया था कि सम्राट अशोक बोल उठे, बस करो साधु, बस करो, सचमुच यह मेरी पराजय हुई है। ओह, मैंने अपनी विजय के लिए इतना नरसंहार किया। साधु मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आज से फिर कभी युद्ध नहीं करूंगा, लो तुम्हारे सामने ही तलवार को फेंक रहा हूँ। सम्राट अशोक ने जिस तलवार से अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की थी उसे उन्होंने अपमान पूर्वक धरती पर फेंक दिया। तलवार से झनझनाहट की आवाज निकलकर वायुमंडल में विलीन हो गई। सम्राट अशोक ने सचमुच उस दिन से फिर कभी युद्ध नहीं किया। कलिंग के युद्ध के पूर्व वे युद्ध विजेता के नाम से प्रसिद्ध थे, पर कलिंग के युद्ध के पश्चात वे प्रसिद्ध हुए अहिंसा व्रत के व्रती के रूप में। उन्होंने अपने देश में ही नहीं दूसरे देशों में भी अहिंसा का प्रचार करके स्वयं को अमर बना लिया।